आज ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मध्य प्रदेश की नई सहकारी नीति पर चर्चा। शाह से भोपाल में नई सहकारी नीति जारी करने का अनुरोध। सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा कुछ गड़बड़ नहीं किया तो राहुल गांधी को किस बात का है डर, वो जाए और ईडी को सच बताएं। कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी की परिषदों के भ्रष्टाचार को करेंगे उजागर, केके मिश्रा ने दिया आदेश। पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर भी दिया निर्देश। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, कहा नीमच में खिलौने खरीदी पर हो रहे भ्रष्टाचार की कराएं जांच, करोड़ों के खिलौने का भी कराएं भौतिक सत्यापन। और पूर्व मंत्री डीसी शर्मा ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा कृष्णा गौर के खिलाफ रच रही साजिश, कहा कृष्णा गौर को विधानसभा से हटाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की नई सहकारी नीति पर चर्चा की, जिसके बाद सीएम शिवराज ने नई सहकारिता का ड्राफ्ट अमित शाह को सौंपा और शाह से भोपाल में नई सहकारिता नीति सहकारिता सम्मेलन में जारी करने का अनुरोध किया। हम मध्य प्रदेश में नई सहकारिता नीति हम बना रहे हैं और हमने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया नीति आयोग के साथ, विशेषज्ञों के साथ, सहकारिता के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सहकारिता के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़े, उनको संगठित करें, नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से हम जाएं, इसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। आज उस पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने माननीय गृह मंत्री जी, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उनको मैंने हैंड किया है। उस ड्राफ्ट पे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारे, हम एक सहकारिता सम्मेलन करेंगे और उसी में नई सहकारिता नीति हम अपनी जारी करेंगे। एक मेरी चर्चा हुई मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के तीन जिले, एक बालाघाट, दूसरा मंडला और तीसरा डिंडौरी, ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सल बात को हमने सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में रोका है, लेकिन पूरी मैंने जो अभी गतिविधियां हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दबाव बनता तो मध्य प्रदेश की तरफ आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ें भी हुई है और मारे भी गए हैं सर, लेकिन जो स्थिति उसकी मैंने जानकारी दी और हमने आग्रह किया कि कान्हा के जो इलाका है बालाघाट के क्षेत्र में और बटालियनों की सीआरपीएफ की ज़रूरत है, हमने आग्रह किया है। हमारी हाफ फोर्स काम कर रही है, सीआरपीएफ की बटालियन और भी जाए, नक्सलाइट थाने और चौकियों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कुछ सहायता मांगी है सर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो राहुल गांधी और कांग्रेस को किस बात का डर है, वो जाएं और ईडी को सच बताएं। ये जो प्रैक्टिस करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यानी कि गड़बड़ करो और फिर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाओ, जनता इस ढोंग को समझ चुकी है। साथ ही सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सच यह है कि आपने भ्रष्टाचार किया है और जब भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं किया, गड़बड़ नहीं किया तो राहुल गांधी और कांग्रेस को डर काहेगा, जाए ईडी को सच बताएं। अब ये जो प्रैक्टिस करते हैं, कर्मकांड करते हैं, गड़बड़ करो और फिर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाओ, जनता इसको ढंग से समझ चुकी है। सच यह है कि आपने गड़बड़ की है, भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की जांच जब हो रही है तो आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो राहुल गांधी को डर काहेगा, ये दबाव बनाने से काम नहीं चलेगा, सच बताओ। और अगर कुछ नहीं किया तो डर काहे को रहे।
कांग्रेस प्रवक्ता पत्रकार वार्ता के माध्यम से बीजेपी की परिषदों के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। यह निर्देश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने सभी प्रवक्ताओं को दिया है। साथ ही कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी नगर पालिका और नगर परिषद में पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें दिग्गी ने नीमच जिले में खिलौनों की खरीदी पर हो रहे भ्रष्टाचार के उच्च स्तरीय पर जांच कराने की बात कही है। साथ ही कहा कि विगत वर्षों में खरीदे गए करोड़ों के खिलौने का भी भौतिक सत्यापन कराया जाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कृष्णा गौर के खिलाफ साजिश रच रही है। कृष्णा गौर को महापौर का टिकट देकर उनको विधानसभा से हटाना चाहती है और उनकी जगह गोविंदपुरा से किसी बड़े आदमी को बिठाना चाहती है। साथ ही कहा कि भाजपा की प्रत्याशी घोषणा में देर होने का कारण केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी यही स्थिति बनती थी और अब वहां पहुंच गए हैं तो वहां भी लिस्ट नहीं निकलेगी। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब यही स्थिति बनती थी, लेकिन अब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ भी नहीं निकलेगी। और भोपाल में कृष्णा गौर जो विधायक है उसको मजबूर कर रहे हैं, उसको मजबूर इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कोई प्रत्याशी है नहीं और वो उस पर साजिश है। कृष्णा गौर को महापौर का टिकट दिया तो विधायक की टिकट उसकी काट लेंगे, कहीं कहूँ पास 4 साल में और ये काट के कोई बड़ा आदमी वहाँ बैठ जाएगा गोविंदपुरा में। ये पूरी षड्यंत्र चल रही है, मैं समझता हूँ कि वो भी इन सब चीजों को समझ रही और इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आंदोलन पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के अंदर एक अलग प्रकार की परिस्थितियां ली हुई है। नेशनल हेराल्ड के विषय पर भारत के अंदर कांग्रेस ने किस प्रकार से आंदोलन किया है, पहली बार यह देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस देश के अंदर इस प्रकार का आंदोलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छुपाने का काम किया है। इसके बाद शर्मा ने महापौर पद के उम्मीदवारों के चयन को लेकर बोले कि प्रोसेस चल रही है, जैसे ही प्रोसेस पूरी हो जाएगी उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। और क्या कुछ कहा वीडी शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उसमें रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया गया, इसका जवाब भी कांग्रेस के नेतृत्व से राहुल गांधी सोनिया गांधी जी से देश जानना चाहता है। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरी एजेल और यंग इंडियन के बीच शेयर ट्रांसफर को भ्रष्टाचार से प्रेरित बताकर निम्नलिखित टिप्पणी की थी। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने वो टिप्पणी आनी चाहिए, इसलिए मैं विशेष तौर पर उसका उल्लेख कर रहा हूं। द इंटायर ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ एजेएल टू यंग इंडिया वाज नथिंग बट ये क्लैंडेस्टाइन एंड सरपेक्टिशियस ट्रांसफर ऑफ द ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट टू यंग इंडिया। गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दिल्ली को घेर कर आम जनता को परेशान करने का जो घिनौना काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को दबाने के कार्य की भाजपा घोर भर्त्सना करती है। और मैं इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के उन लोगों को जो ऐसे जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए वो किसके लिए आंदोलन करा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को ये बात समझना, अपील करना चाहता हूं। ये देश का दुर्भाग्य और मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में केवल भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर ऐसा हुआ होगा कि भ्रष्टाचार को पर्दा डालने के लिए, दबाव डालने के लिए एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 55 वर्ष इस देश पर राज किया है, वो आज अपने नेतृत्व को, अपने दल को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आंदोलन देश के अंदर कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना पूरी भारतीय
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए और 27 लोग ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 364 है। यह जानकारी गृह मंत्री मिश्रा ने दी। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि राम के वंशज होने की सलाह कौन दे रहा है, जिन्होंने राम सेतु पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी क्या फिरोज जी के वंशज नहीं है, यह असली गांधी और नकली गांधी का मामला है। अगर सही है तो मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखें। कोरोना के 62 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 27 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश में जो एक्टिव केस बचे हैं वो 364 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। वर्तमान में संक्रमण दर हमारी जो है 0.094 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है। जो सैंपल कलेक्शन कल हमारा हुआ है 24 घंटे में, वो 6,564 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। पुलिसकर्मी कोई संक्रमित नहीं है, एक एक्टिव पुलिसकर्मी का केस है। वैक्सीनेशन जो हुई है पिछले 24 घंटे में 1,148 लोगों को वैक्सीनेशन लगा है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो हुआ है 11,95,79,358 लोगों को ज्ञान दिया है उनने। मैंने पढ़ा वो ट्वीट के राम के वंशज हो तो ऐसा करो। राम के वंशज होने की सलाह कौन दे रहा है, कौन सी पार्टी के नेता दे रहे हैं? जिस पार्टी ने राम सेतु पर सवाल खड़ा किया था, ये वही दिग्विजय सिंह है जिनने राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर सवाल उठाया था, राम सेतु को कालमिक बनाया था, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ खड़े रहते हैं। अब कैसे कैसे लोग क्या क्या सलाह देते हैं, आप कल्पना तो करो इनकी। भोपाल के रानी कमलापति आर्च ब्रिज पर चोरी का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने लाखों की केबल लेकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक साल से फरार चल रहे बदमाशों को देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश तो फिक्स शूटर को पिस्टल सप्लाई किया था, जिसके बाद पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। वहीं आरोपी की पहचान ओमेर निवासी फतेहपुर उत्तर प्रदेश हुई है, जो कि पहले भी लगभग 40 कट्टों के साथ गिरफ्तार हो चुका था। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा लगातार अवैध हथियार रखने पर वालों पर कार्रवाई की जा रही। इसी में पहले तौफीक शूटर है, जो कि आदतन अपराधी था, जिसको पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। इसने रिमांड पर बताया था कि यह हथियार इसने उमेर से खरीदा। उमेर फतेहपुर यूपी का रहने वाला है और मध्य प्रदेश में पूर्व बदमाश मुख्तार का साथी रहा है। पूर्व में जहांगीराबाद में सर काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे, इसको पकड़कर पूछताछ की गई। इसके द्वारा अपने मेमो में हथियार रखना बताया, छुपाकर उसको हम लोगों ने जब्त किया है। जब्त कर इसे गिरफ्तार कर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे और भी हथियारों के संबंध में पूछताछ लगातार जारी है। मुख्तार के साथ कोई गंभीर वारदात जिसने कबूल करी? पूर्व में जो पकड़ा गया था, हथियारों में पकड़ा गया था, तब इसके द्वारा इसके संलिप्तता इसके द्वारा बताई गई थी और इसके साथी के रूप में इसकी शोहरत है और हमारे पास की जानकारी इस पर है कि इसका साथी। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बस सवार महिला की सोने की चेन चोरी हो गई है, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस थाने में की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे में 7 महिला 10 पुरुषों के गिरोह का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से सोने की चैन, मंगलसूत्र और अन्य आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी अपना ठिकाना बदल लिया करते थे, जिससे पुलिस उन तक ना पहुंच सके। आरोपी चोरी किए गए सामान को जमीन में छिपा कर रखते थे। गिरोह में हर उम्र के अपराधी शामिल हैं। 10 जून को प्रार्थिया चंदावली जो है ये अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए आई हुई थी जांजगीर चांपा से। बस में जैसे ही बैठी, उसके बाद जगमल चौक पहुंचने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसके गले में चैन नहीं है,
तब इसने याद किया तो मस्तूरी के पास कुछ महिलाएं चढ़ी थी बस में, और जो इसके आसपास बस में ट्रैवल करने के दौरान हो रही थी। जब ये उतरी तब एहसास हुआ कि गले में चैन नहीं है, तो प्रार्थिया ने आके रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एसपी मैडम के निर्देशन में और एसीसीयू की टीम के द्वारा टीम का गठन किया गया, और टीम ने विवेचना की दिशा में सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में कुछ महिलाएं बस से उतरने के बाद एक ऑटो में बैठकर जाती हुई दिखी। उन महिलाओं को तस्दीक करने के बाद उन्होंने अपराध करना कबूल किया। उसमें बस में कुल 5 महिलाएं और 3 पुरुष चढ़े थे। उनके कब्जे से कुछ सोने चांदी के जेवर मिले जो महिला उस समय चोरी की थी। चाचौड़ा के वार्ड क्रमांक 11 में लंबे समय से वोल्टेज की कमी के कारण मोहल्ले वासियों को बिजली से संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विद्युत मंडल अधिकारियों को पंडित अजय पारिक ने ज्ञापन सौंपा और साथ ही जल्द से जल्द इन समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निवेदन भी दिया, जिसको लेकर विद्युत मंडल अधिकारी ने समस्या का शीघ्र निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया है। जी, जो ये अपने वार्ड क्रमांक 11 है, इसमें जो सराय वाली गली है और पीछे का जो कॉलोनी है, उसमें वोल्टेज की काफ़ी समस्या आ रही है। वोल्टेज में 120 से 130 आ रहा है, जिस कारण सुबह जब पानी की मोटर चलाते हैं तो मोटर नहीं चल पाती, लोड नहीं ले पाता, तो पानी पर्याप्त नहीं भर पाता है। और भी अनेक समस्या वोल्टेज के कारण कूलर पंखे सब में समस्या आ रही है। उन्हीं समस्याओं के लेकर आदरणीय सुपरवाइजर महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आदरणीय सुपरवाइजर महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया गया विद्युत मंडल में, और उन्होंने तुरंत समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन हमको दिया है। कब तक का दिया है? उन्होंने जल्द शीघ्र अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण करने का। ये कब से वार्ड 11 में समस्या चल रही है आपके? ये समस्याएं काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन आदरणीय महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है और वो शीघ्र अतिशीघ्र, उनके संज्ञान में नेता मामला हमने संज्ञान में लाया है, उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र इसका निराकरण करने का हमको आश्वासन दिया है। पहले अवगत कराया कि नहीं करा गया? अवगत नहीं कराया था, अभी समस्या कुछ दिनों से आई है, तो उसके लिए हमने आवेदन दिया सर को। आजाद नगर पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने घर में किराए से रहने वाली ही महिला को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जहां महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पकड़ा और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। खबर बता रहे थे आपको इंदौर के आजाद नगर से, जहां एक मकान मालिक ने अपने ही घर में किराए से रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला को अकेला पाकर, सुनसाने घर में अकेला पाकर महिला के साथ घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। महिला किराए से रहती है, उसका मकान मालिक है विजय चौहान। 6 तारीख को ये घर में अकेली थी, छोटा बच्चा था इसके गोद में। वो घर में आया, वो कमरा बंद किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने चिल्लाई बोला क्या कर रहा है, तो उसने बोला तेरी बच्ची को मार दूंगा, छोटी बच्ची है, और धमकी दी, अगर किसी को बताया तो तेरे पति को तेरी बच्ची को ख़त्म कर देंगे। आज उसने पति को हिम्मत करके बताया तो पति के साथ रिपोर्ट करने आई, जिस पर से अपना बलात्कार का मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है। अभी छोटे मोटे काम करता, मजदूर वर्ग का ऐसा कोई खास नहीं है। पूरी खबर इंदौर के आजाद नगर का है, जहां पुलिस को शिकायत मिली कि एक मकान मालिक ने अपने ही घर में किराए से रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म किया। घटना के वक्त महिला घर पर अकेले थी, जहां आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। वह जानकारी मिलते हुए से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर इंदौर के आजाद नगर पुलिस थाने का है, जहां
पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला से उसके मकान मालिक ने दुष्कर्म कर वारदात को अंजाम दिया है। महिला उस वक्त घर पर अकेली थी। घटना के बाद महिला ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में एक बार फिर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि काम करने के दौरान मजदूरों की लापरवाही का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि युवक भवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित पालदा में दलिया बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। इसी दौरान सीढ़ियों से गिरने से युवक की मौत हो गई और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पूरी खबर इंदौर की, जहां सीढ़ियों से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक दलिया फैक्ट्री में काम करता था। इसी दौरान मजदूरों की लापरवाही का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। युवक भवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित पालदा में काम करता था। अभी हमको एमवाई से सूचना मिली है कि एक गायत्री नगर पालदा में एक फैक्ट्री में काम करते समय चढ़ाव पे से नीचे गिर गया है। तो मुकेश पिता चंदर, ग्राम बड़कन, सतवास, जिला देवास का है। क्या कर रहा था? ये वहाँ दलिया फैक्ट्री है, उसमें काम करता था। अभी परिजनों का इंतजार है, वो आ जाए, उसके साथ वर्कर जो काम करने वाले वो आ जाए। नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम का इंतजार है, अभी मैं बैठा हूँ, परिजन आ जाए, घर वाले आ जाए तो देखते हैं फिर। क्या नाम था इसका? इसका नाम मुकेश पिता चंदर है। आपका नाम? एएसआई राम प्रसाद मालवी, थाना भवरकुआं, इंदौर। पूरी खबर इंदौर से, जहां एक बार फिर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक दलिया बनाने वाली फैक्ट्री पर काम करता था। काम करने के दौरान मजदूरों की लापरवाही का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। युवक भवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित पालदा में दलिया बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जहां सीढ़ियों से गिरने से युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर इंदौर से, जहां एक बार फिर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। युवक दलिया फैक्ट्री में काम करता था, जहां काम करने के दौरान मजदूरों की लापरवाही का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। भवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित पालदा में स्थित है दलिया बनाने वाली फैक्ट्री, जहां युवक काम करता था। वहीं सीढ़ियों से गिरने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पूरी खबर आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां एक बार फिर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। युवक दलिया फैक्ट्री में काम करता था। भवरकुआं थाना क्षेत्र में स्थित है दलिया फैक्ट्री, जहां काम करने के दौरान सीढ़ियों से गिरने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
पूरी खबर आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। युवक दलिया फैक्ट्री में काम करता था। दलिया फैक्ट्री भवरकुआ थाना क्षेत्र में स्थित पालदा में स्थित है, जहां काम करने के बाद सीढ़ियों से गिरने से युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी हमको एमवाई से सूचना मिली है कि एक गायत्री नगर पालदा में एक फैक्ट्री में काम करते समय चढ़ाव पे से नीचे गिर गया है। तो मुकेश पिता चंदर, ग्राम बड़कन, सतवास, जिला देवास का है। क्या कर रहा था? ये वहाँ दलिया फैक्ट्री है, उसमें काम करता था। अभी परिजनों का इंतजार है, वो आ जाए, उसके साथ वर्कर जो काम करने वाले वो आ जाए। नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम का इंतजार है, अभी मैं बैठा हूँ, परिजन आ जाए, घर वाले आ जाए तो देखते हैं फिर। क्या नाम था? इसका नाम मुकेश पिता चंदर है। आपका नाम? एएसआई रामप्रसाद मालवी, थाना भवरकुआ, इंदौर। जाने से पहले आपको बताते हैं आज के दिन का कुछ खास। आज हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री दिशा पटानी का जन्मदिन है। दिशा का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। दिशा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई लखनऊ की अमेठी यूनिवर्सिटी से की है। दिशा ने करियर की शुरुआत एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से की थी, जिसके बाद बागी 2, भारत जैसी अनेक फिल्मों में काम किया है। दिशा के पिता पुलिस अधिकारी हैं, माता हेल्थ अधिकारी हैं, तो वहीं बहन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर हैं। आपको बता दें कि आज हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री दिशा पटानी का जन्मदिन है, जिनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। दिशा ने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई लखनऊ की अमेठी यूनिवर्सिटी से की है। करियर की शुरुआत एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से की थी, जिसके बाद बागी 2, भारत जैसे अनेक फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें कि दिशा के पिता पुलिस अधिकारी हैं, माता हेल्थ अधिकारी हैं, तो वहीं बहन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर हैं। और आज ही भारतीय राजनीतिज्ञ पीयूष गोयल का भी जन्मदिन है। पीयूष गोयल राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस के साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। पीयूष गोयल पैसे से चार्टर्ड अकाउंट हैं। पीयूष के माता पिता दोनों ही राजनीति में कई बड़े पदों पर रहे हैं। पीयूष की माता 3 बार एमएलए रही हैं, तो वहीं पीयूष के पिता यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। पीयूष गोयल को 2010 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया था। वर्तमान में पीयूष गोयल भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।